हाई गुड इवनिंग एवरी वन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मिजाइल सिस्टम के बारे में और येस हाई गुड इवनिंग काजल दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे पहले हमने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो डिस्कशन किया है तो ये आपका लेक्चर टू रहेगा तो इसमें जो भी हाई यल्डिंग टॉपिक्स हैं आपके जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड रहते हैं एंड जिन पर हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो सब टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे अराउंड ट्वेंटी आवर्स में वी विल ट्राई टू सम अप साइंस एंड टेक्नोलॉजी द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस इज ह्यूज वैसे आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे थोड़ा सा नज़र आएगा बस बट उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर होती हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम कवर करेंगे गुड इवनिंग काजल गुड इवनिंग सभिया ओके तो दिस इज अबाउट मी एंड अगेन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है वरानी का अंडर स्कोर यू आपको पी जो है मेरे हर ये साइंस एंड टेक वाला सीरीज़ के यहाँ पर मिल जाएंगे तो बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत इजी कर सकते हैं जिस भी एडुकेटर से आपका पढ़ने का मन है आप उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे उनसे पढ़ सकते हैं और यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स जितनी भी मर्जी बार आप चाहें आप लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं जो कि आपको बहुत जगह ये ऑप्शन नहीं मिलता है बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं लुक एट दिस अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अलग अलग सब्सक्रिप्शन हमारा मिलता है यू हैव प्लस यू हैव आइकॉनिक यू हैव ऑप्शनल यू हैव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज़ माय कोड अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं आई विल मेक श्योर दैट आई एम देयर थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप मुझे टेलीग्राम पर बता दीजिए कि मैम आपका कोड यूज़ किया है तो आई एल बी इन टच विद यू पीपल फॉर योर प्रिपरेशन सो दिस इज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दिस इज ऑप्शन सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं सो वॉट यू कैन डू यू कैन ओनली बाई एन अकेडमी बुक्स एंड हेयर इज योर चांस लेटेस्ट बैच हमारा सिक्सथ अक्टूबर को शुरू हुआ है ऑल स्टार बैच एज यू कैन सी द बेस्ट एडुकेटर्स आर टीचिंग यू इन दिस बैच तो आप इनमें एनरोल हो सकते हैं और इन केस यूर प्लानिंग की आप कोर्स ई एम आई पर खरीदें तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा आपका लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा तो चलिए आज का डिस्कशन हम शुरू करेंगे सो येस वेरी गुड इवनिंग माई हेल्थ इज़ गुड दिस प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी इज ऑलवेज देयर विद मी आई हैव टू लिव विद इट समटाइम्स इट इज़ गॉन एंड सम टाइम्स इट इज़ बैक अगेन सो येस माई नोज प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर सो आई होप दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल आई विल हैंडल दैट ओके यस अतीक्षा वेरी गुड इवनिंग यशपाल गुड इवनिंग दीपशिका गुड इवनिंग ओके okay, तो आज जैसे आपको पता है आपने टॉपिक देखा आई होप जो लास्ट टाइम हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का पढ़ा था जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो आपको क्लियर हैं इसी तरीके से आज हम मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे वैसे अगर आप यूके प्रोनंसिएशन प्रोनाशिएशन देखेंगे तो मिसाइल को मिजल भी कहा जाता है यूजली मिजल बोलते हैं अंग्रेज़ लेकिन लेट्स कॉल इट मिसाइल इंडियन सिस्टम में ओके uh, okay, तो देखिए अब आप देखेंगे इंडिया में डिफेंस को लेकर वैसे भी हम क्या बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की कि हम बाहर से जो भी टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट रहते हैं हम खुद की टेक्नोलॉजी बनाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेटेरेंस के लिए जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड देन आर ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन uh, जिसको शॉर्ट में हम डी बोलते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अब ये जो डी है ये कब इस्टिश हुई थी आपको मालूम होना चाहिए 1958 में डी को इस्टाब्लिश किया गया था उस टाइम कुछ और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको कंबाइन करके डी बनाया गया था जैसे किस किस को कम्बाइन किया था टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट टी डी ईज इंडियन आर्मी की थी ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डी टी डी पी विथ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन डी एस ओ तो इन तीनों को कंबाइन करके हमने डी आर डी ओ बना दिया क्योंकि सबका मकसद काम मोटिवेशन एम ऑब्जेक्टिव सेम था सो so, इनका काम यही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वर्ल्ड क्लास साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इंडिया के लिए वो चीज़ें बनाएं जो हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें डिफ़ेंस सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करें ओके okay, क्योंकि हमको इंटरनेशनली कॉम्पीट करना है बाकी देश देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं येस गुड इवनिंग एवरी प्रीति अजय आशु ओके ओके सभिया थैंक यू ओके सो दिस इज़ डी फॉर यू अब डी की शुरुआत कहाँ से हुई कुछ बेसिक्स डी के बारे में जान लीजिए दस लेबॉट्रीज से इन्होंने शुरू किया था डी की इनिशियली ओनली टेन लेबॉर्टरीज़ इंडिया में थी लैब्स थी लेकिन आज इनकी फिफ्टी टू नेटवर्क है इनके लैब्स अगर आप देखेंगे इंडिया में अलग अलग जगह पे देर आर फिफ्टी टू लैब्स जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं अलग अलग फील्ड में डिफेंस के भी अलग अलग फील्ड्स हैं यू हैव एरोनॉटिक्स आर्मामेंट्स वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बैट व्हीकल्स इंजीनियरिंग सिस्टम्स इंस्ट्रूमेंटेशन मिसाइल्स एडवांस कंप्यूटिंग सिमुलेशन सो ये देखिए यहाँ पे सारा इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि हमारा डिफेंस सिर्फ डिफेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको गोलीबारी बनानी है सो देयर आर मैनी अदर डिपार्टमेंट्स मैनी अदर डिसिप्लिनस डिफेंस के नेवल सिस्टम हो गया क्योंकि आपको ये समझना है कि इंडिया को खतरा कहाँ कहाँ से है अगर हम इंडिया को देखें मैप पे, तो हमको पता है हमारे आगे पीछे समुद्र भी है तो हमें पानी के थ्रू भी दुश्मन देशों से खतरा हो सकता है एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चाइना है दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनसे हमको बच के रहना है ऊपर पहाड़ है, सो लैंड एयर वाटर हर तरफ हमको सिक्योरिटी चाहिए हमको अपना डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिफेंस का मतलब सिर्फ गन्स बनाना या गोली गोलीबारी बनाना नहीं है ऑब्वियसली वो भी है बट ऑल द अदर एस्पेक्ट्स टू सो प्रेजेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें अराउंड 5000 साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कैन यू बिलीव दैट पाँच हज़ार साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं और अगर हम टेक्निकल सपोर्ट टेक्निकल स्टाफ और भी बहुत सारा स्टाफ होता है सब मिला लें तो ट्वेंटी अदर जो ऐसे लोग हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी डी के ऑन गोइंग है जैसे मिजाइल्स हो गई आर्मामेंट्स हो गए लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए रडार्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक वाफर्स तो ये सब सिस्टम्स ये सब रिसर्च जो है वो डी की चल रही है अब यहाँ पे ये प्रोग्राम का नाम जब भी हम इंडिया की डिफेंस की बात करें यू शुड रिमेंबर दिस द हेडिंग इंटीग्रेटेड गाइडेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम सुना है आपने इसके बारे में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये किसी चीज़ को हम किसी का ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड मीन किसका आइडिया था ये ये आइडिया था हमारे रिनूड साइंटिस्ट डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम इनको हर कोई जानता है ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन उनका मेन एक आइडिया था एक मकसद था कि हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, हमको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत ना पड़े जब मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात आए तो इंडिया खुद से अपनी मिसाइल्स बना पाए तो उन्होंने ये चीज शुरू की <laughs> इन रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए उन्होंने बोला कि हम बहुत सारी मिसाइल्स बनाएंगे अपने प्रोग्राम्स चलाएंगे अराउंड जितने भी तरह के मिसाइल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं वी विल क्रिएट देम तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने आईजीएमडीपी को अप्रूव किया 26 जुलाई 1983 को ओके सो आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स साइमल्टेनियसली ठीक है तो आईजीएमडीपी आपका अप्रूव हो गया और ये किसका आइडिया था आपको मालूम होना चाहिए और इसका मकसद ये था कि हम आत्मनिर्भर भारत की जो आज बात करते हैं ये 1983 में इसकी बात एटीज़ उस में उसकी बात कर रहे थे कि हमको सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है ये जो मिसाइल्स हैं आईजीएमडीपी इस प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मिसाइल्स इंडिया में बनाई गई ये कौन सी मिज़ाइल्स हैं पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग अग्नि तो पृथ्वी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे हम एक एक टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे वट डू वी मीन बाय शॉर्ट रेंज वी बाय सरफेस टू सरफेस डू वी मीन बाय बायिस्टिक मिजाइल डू वी मीन बाय क्रूज मिजाइल ये सब मैं आपको समझाऊंगी बट फिलहाल आप ये याद रखिए कि हमारे कौन कौन से जो मिजाइल्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बने हैं ओके पृथ्वी इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिजाइल त्रिशूल अगेन शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, और अगेन अग्नि जो था उसको लेटर अग्नि जो है लेटर उसको सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम आई ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्राटेजिक इम्पॉर्टेंस है तो आफ्टर अचीविंग द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट क्योंकि आई जी डी एम पी का मेन मकसद यही था कि इंडिया को हमने सेल्फ रिलायंस सेल्फ सफिशेंट बनाना है जब हमने इसको अचीव कर दिया तो इसको हमने डी आर डी ओ ने स्टॉप फॉर्मली इसको बोला कि हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप हो चुका है 8th जनवरी 2008 को इन्होंने अनाउंस किया दैट एवर वी वांटेड टू अचीव अंडर दिस प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू क्योंकि जब भी हम डिफेंस या मिसाइल्स की बात करते हैं वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डीआरडीओ की डीआरडीओ ने क्या किया अब आप मुझे बताइए मिसाइल से या अदरवाइज कहें तो मिसल से आप क्या समझते हैं व्हाट इज अ मिसाइल क्या है तो ऑब्वियसली मिसाइल जब भी हमारे दिमाग में आएगा तो हमारे दिमाग में आएगा वेपन एक तरह का हथियार है यस सुभोजी दैट इज आल्सो ट्रू बट हाउ एवर वो टेक्नोलॉजी वो नॉलेज हमारे पास कहाँ से आएगी दैट इज अबाउट वेरियस दैट इज अ आइडिया ऑफ वेरियस कॉन्फ्रेंसिस इन ऑल बट एंड में हमको सेल्फ सफिशेंट बनना है जो कि हमने अचीव किया इसमें ओके okay. एनी वे सो मिजाइल क्या है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में आपको ये पता है कि ये एक वेपन है गाइडेड एयरबॉन तो लेट्स यूज द वर्ड गाइडेड हियर कि हमको पता है कि जब हम इसको इससे अटैक कर रहे हैं या बेटर वर्ड टू यूज इज लॉन्च कि एक जगह से इसको लॉन्च कर रहे हैं तो हमको पता है कि किस पाथ पे हमको इसको भेजना है कहाँ पे भेजना है सो इट इज बेसिकली गाइडेड वेपन कि इसको पता है कि इसको कहाँ जाना है सेल्फ प्रोपल्शन इसमें होगा इधर कोई भी या तो इसमें जेट इंजन यूज कर रहे हैं या तो हम रॉकेट मोटर यूज कर रहे हैं या रॉकेट इंजन यूज कर रहे हैं अब जेट इंजन और रॉकेट इंजन में क्या फर्क है मी जेट इंजन में बेसिकली क्या है दिस इज एयर ब्रीदिंग इंजन तो ये हवा से ऑक्सीजन लेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर कंबस्टन कहीं पे भी कुछ जलना है एनर्जी uh, प्रोड्यूस होनी है कंबस्शन होना है सो यू नीड ऑक्सीजन फॉर इट तो जेट इंजन में क्या होता है कि ये ब्रीद ये इंजन एयर ब्रीद करता है और उसको फिर कंप्रेस करके कम्बस्टन uh, जो होती इंटरनली उसमें टर्बाइन होती हैं और वो उसको जो भी एनर्जी चाहिए आगे मूव करने के लिए वो उसको मिलती है सो इट इज़ एयर ब्रीदिंग इंजन रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है वो एयर ब्रीदिंग इंजन नहीं होता तो उसमें ऑलरेडी हम एक ऑक्सीडाइजर जो है वो लोड करते हैं सो दैट इज नॉट एन एयर ब्रीदिंग इंजन सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू कि जेट इंजन या रॉकेट मोटर में क्या फर्क है सो दिस इज अ अजाइल फॉर यू यस गाइड करना आफ्टर लॉन्च हाँ आफ्टर लॉन्च भी गाइड कर सकते हैं सुबोजित बट वी हैव मिजाइल जो प्री सेट भी होती हैं ना प्री सेट आपने उनको सब कुछ सेट कर दिया या तो वो किसी लेजर को फॉलो कर रही हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी को फॉलो कर रही हैं तो ईदर वे द गाइडेड दैट मीन्स उनको अपना पाथ पता है कि उनको कहाँ जाना है कहाँ अटैक करना है सो मिजाइल्स आर कॉल्ड गाइडेड मिजाइल्स और गाइडेड रॉकेट्स जब उनको वेना प्रीवियसली अनगाइडेड रॉकेट इज मेड गाइडेड तो मतलब गाइडेड मिसाइल तब कहा जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली कि पहले स्टेप में रॉकेट को नहीं पता है हमने रॉकेट तैयार कर दिया है उस पर वॉर हेड लगा दिया है लेकिन जब हम उस पर गाइडिंग सिस्टम लगा देंगे बाद में तो वो एक गाइडेड मिसाइल बन जाएगी तो यूजुअली अगर आप देखें ओवरऑल कि अगर आपको देखो हमको यहाँ पे बहुत डीप साइंस में नहीं जाना बहुत डीप फिज़िक्स में नहीं जाना बेसिक्स समझने हैं कि आपसे कोई मिसाइल पूछ ले तो आपको क्या कहना है ओके वन सेकेंड सुबोजीत सिंह एक्चुअली मैम मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है स्पेस टेक्नोलॉजी यस एटेस्ट इट इज इट इज टेक्नोलॉजी दिस टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों के एंड पे इसको समझना इज़ डिफ़िकल्ट एट दैट लेवल उसको समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर अनटिल एंड अनलेस हमारा वो फिजिक्स वाला या वैसा बैकग्राउंड नहीं है बट स्टिल हम उसके बेसिक्स जो हैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशली कि एटलीस्ट कैसे कोई चीज़ वर्क कर रही है वो हम समझ सकते हैं तो मिसाइल के यहाँ पे जैसे पांच कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए टारगेटिंग गाइडेड सिस्टम फ्लाइट सिस्टम इंजन वॉरहेड तो मिसाइल के अगर आपको कहीं पे मिसाइल की डेफिनेशन नहीं आती ये पांच सिस्टम्स कंपोनेंट्स आप लिख के आएंगे यू विल अगेन यू विल स्टिल गेट मार्क्स अब टारगेट क्या है कि हमको पता है कि किस टारगेट पे कहाँ पे हमको मिसाइल को भेजना है तो टारगेटिंग उसको उस चीज़ में हेल्प करेगा गाइडेंस सिस्टम उसको नेविगेशन में हेल्प करेगा फ्लाइट सिस्टम कि जब वो उड़ रहा है कैसे जा रहा है उसका पाथ क्या है इस तरह के सिस्टम्स लगे हैं इंजन उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वॉर हेड इज एक्चुअली कि किस तरह का वेपन हम उसमें यूज कर रहे हैं ठीक है तो इसके पांच डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो इसमें से कोई भी आप ये कॉम्पोनेंट्स लिख के आएंगे तो वो इस तरह के रॉकेट को हम मिजाइल बोलेंगे जिसमें ये सब चीजें होंगी ओके सो दिस इज मिजाइल आई होप दिस इज क्लियर टू यू आप क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, दो तरह की टाइप्स मेजरली मिसाइल्स की रहती हैं क्रूज मिसाइल अगेन यू यू विल सी थ्री टाइप्स सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द स्पीड स्पीड ऑफ द मिजाइल्स सोनिक वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स समवेयर साउंड इज रिलेटेड साउंड की स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं कि मिसाइल की क्या स्पीड रहेगी सब सोनिक जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड से कम है तो वो सब सोनिक है साउंड से ज्यादा है यहाँ पे हम कुछ लिमिट्स देंगे तो सुपर सोनिक और बहुत ज्यादा फाइव से ज्यादा फाइव टाइम से भी ज्यादा साउंड से तो वो हाइपरसोनिक ठीक है तो वी आर कंपेयरिंग तो तो इट विद साउंड क्रूज मिसाइल आपकी अलग अलग तीन तरह की आ जाएगी एंड देन यू हैव योर पे वो लिखा नहीं है तो बिल्कुल अगर साउंड जितनी होगी आकाश दिस इज योर आंसर कि हम इसको मार्क इसमें uh, बोलते हैं इन यूनिट्स में बोलते हैं मार्क में तो जब हम वन मार्क मतलब साउंड के बराबर तो उसको ट्रांसोनिक कहा जाता है वन मार्क से नीचे है तो इट इज सब सोनिक आई होप दैट इज क्लियर टू यू ओके okay, अब क्रूज मिसाइल के आगे मैं आपको यहाँ पे पिक्चर uh, भी दिखाऊंगी अब रेंज शॉर्ट रेंज अगेन यहाँ पे हम डिवाइड किलोमीटर्स में डिफाइन करेंगे कि कितनी रेंज को हम शॉर्ट रेंज बोलेंगे मीडियम रेंज किसको बोलेंगे इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे फिर देन यू हैव योर आई सी बी एम शॉर्ट फॉर्म आपने न्यूज़ में बहुत बार देखी होगी सो दिस इज़ योर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल क्रूज so, uh, से शुरू करते हैं अब क्रूज के लिए भी एक चीज तो आप लिखेंगे एक तो दिस इज पॉइंट्स अगर आप रनिंग नोट्स बना सकते हैं डू मेक अनमेड सेल्फ प्रोपेल्ड ठीक है गाइडेड व्हीकल अगेन यू विल कॉल इट गाइडेड ठीक है और सबसोनिक अब जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं यहाँ पे लेट मी टेल यू इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ यहां पे लिख रही हूं मैं सबसोनिक सबसोनिक का स्पीड हम बोलेंगे अराउंड जीरो पॉइंट एट मार्क ठीक है सपोज वन मार्क हम मान रहे हैं किसको साउंड की स्पीड को तो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उससे कम है सबसोनिक यस डेली क्लास है कल क्लास नहीं है अदरवाइज ये डेली क्लास है आपकी ये महीना तो पूरा तो वेल नोन सबसोनिक मिसाइल्स का एग्जांपल आप ले सकते हो आई राइट हेयर अमेरिकन टॉम हॉक क्रूज मिजाइल ठीक है ये आपकी सब सोनिक की एग्जाम्पल आ गई फिर नेक्स्ट इज योर सुपरसोनिक में स्पीड इज अराउंड टू टू थ्री मार्क ठीक है तो आपको यहाँ पे रेंज जरूर अनमैंडमैंड की यानी इसमें कोई हम इंसान नहीं भेज रहे हैं इट इज टोटली अ मशीन दैट्स वॉट सबी आर यूर आस्किंग ठीक है टू टू थ्री मार्क सुपरसोनिक ठीक है जो इंडिया में आपकी ब्रह्मोज है ये ओनली वर्सेटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो सर्विस में है ब्रह्मोस का नाम तो आपने सुना होगा आगे डिटेल में भी ब्रह्मोस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज योर हाइपरसोनिक तो हाइपरसोनिक हम तब कहते हैं जब फाइव मार्क से ऊपर उसका स्पीड जो है वो चला चला जाता है ब्रह्मोज एरोस्पेस इज ऑल्सो द सेम

आगे मैं आपको इनकी कुछ चीजें और भी बताती हूँ जस्ट गिव मी अ मिनट और बैलिस्टिक मिसाइल की एग्जांपल्स आप मुझे बताइए हाँ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं रेंज देखिए अब कैलकुलेशंस उनकी क्या है आई कैन टेल यू व्हाट इज व्हाट रेंज इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज व्हाट रेंज इज कॉल्ड मीडियम रेंज बट हाउ वी कैलकुलेट इज ऑन द डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज देयर कि कैसे एरिया के अगर हम यहाँ पे बैठे हैं डेली ठीक है दिल्ली से हमको यूरोप के कहीं पे भेजनी है तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कोई मिसाइल कर रही है उस पर हम उसका रेंज निकालेंगे आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग ओके सो आई सेइंग कि बैलिस्टिक का एग्जाम्पल क्या है यू हैव पृथ्वी वन पृथ्वी टू अग्नि वन अग्नि टू धनुष ये सब आपकी बैलिस्टिक मिजाइल्स हैं सभी योर डाउट इज बताऊंगी प्रोपेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी सब दैट क्लियर टू यू क्रूज मिजाइल बेलिस्टिक सुपर सब सोनिक सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक सो नेक्स्ट इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग फ्रॉम योर नो चलिए अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हम और देख लेते हैं लुक एट बेलिस्टिक एंड क्रूज तो बैलिस्टिक मिसाइल इज टारगेटेड एज अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सिंगल लॉन्च फोर्स विद नॉट मच एडेड गाइडेंस अब बैलिस्टिक जब हम लॉन्च करते हैं ना ये एक पैराबोला के शेप में जाती है सपोज दिस इज़ द लैंड हम इसको सरफेस लॉन्च स्टेशन से लॉन्च कर रहे हैं हमने इसको पूरा सेटिंग करके भेज दिया जहाँ पे इसने अटैक करना है इस तरह से एक पैराबोला के शेप में बहुत ज़्यादा गाइडेंस इसको नहीं दी जाती एग्जैक्ट पाथ इसको नहीं बताया जाता लेकिन क्रू क्रूज मिजाइल जो होती है वो अपना टारगेट लोकेट कर लेती है उसमें इस तरह से सेटिंग कहां जाकेटना है और वहां तक उसका नेविगेशन होता है वो नेविगेशन कैसे होता है इट कुड बी थ्रू लेजर इट कुड बी थ्रू योर रडार सिस्टम इट कुड बी थ्रू योर रेडियो फ्रिक्वेंसी और भी बहुत सी चीजें हैं नेविगेशन की तो लेकिन यहाँ पे मेन थिंग इज दैट कि बैलिस्टिक मिजाइल में बहुत ज्यादा गाइडेंस uh, नहीं होता क्रूज मिसाइल में प्रीसेट टारगेट आपका होता है यस yes, पैराबोला मैं आ, आगे पिक्चर दिखाऊंगी आपको जस्ट दो मिनट वेट करिए सो so, जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको हमेशा पावर अप किया जाता है कि इस तरीके से लॉन्च किया जा रहा है अगर इसको तो ऊपर जाने के लिए इसको पावर जो है वो दी जाती है लेकिन क्रूज मिसाइल को पावर चाहिए होती है उसकी पूरी जर्नी के थ्रू क्योंकि ये थोड़ा लो अर्थिट ऑर्बिट पे एक स्ट्रेट लाइन में जाती है क्रूज मिसाइल तो इसको पावर हम फुल टाइम देते हैं रॉकेट पावर्ड बूस्टर ये मैं आपको बताती हूँ इसमें टर्बाइन पावर्ड एयरप्लाइन एयर एयरप्लेन ये एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर जाती है आपका जो सब आप मान लीजिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये उससे भी ऊपर जाती है लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं जाती इन फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स ओनली ये आ, जाती है नीचे वाले एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है बैलिस्टिक मिजाइल जो है उस पर ग्रेविटी का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही वो लास्ट में नीचे गिरती है बट क्रूज मिसाइल डू नॉट रिलाई ऑन अर्थ ग्रेविटी अब ये जितने सारे पॉइंट हैं मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा

जो है सपोज आप यहाँ पे मान लीजिए ठीक है यहाँ पे सपोज दिस इज द एरिया जहां पे आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं ये उनसे भी ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है सो यू कैन से इट इज लाइक थाउजेंड टू टू थाउजेंड किलोमीटर ऊपर ये जा सकती है बैलिस्टिक मिसाइल लेकिन क्रूज मिसाइल जो है ना इट इज देयर पहले इनिशियली एक छोटा सा पैराबोला बनाती है ये सी पैराबोला यहां पे भी बन रहा है बट देन ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में लोअर एटमोसफियर पे एक टारगेट के पास ये जाती है इट लोअर एटमोस्फेयर में रहती है या जिसको हम बोलते हैं ओ लो अर्थ ऑर्बिट ठीक है सो क्रूज एंड बैलिस्टिक दिस इज द डिफरेंस अब यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस क्या है सपोज ये दुश्मन का एरिया है जहां पे हमने दिस प्लेस ठीक है एनिमी हमने यहाँ पे टारगेट किया है तो अब क्या होगा यहाँ पे भी तो रेडार्स लगे होते हैं ना रेडार्स लगे रहते हैं जो पता लगा लेते हैं कि दुश्मन का प्लेन या कोई मिसाइल हमारे रेंज में आ रही है अब एक जो रडार होता है उसका पर्टिकुलर विजन है कि वो लैंड से कहाँ तक देख सकता है सपोज so, यहाँ पे एक रडार लगा है उसका विजन यहाँ से कुछ इस तरह की रेंज में है ठीक है ये तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल को तो वो बहुत पहले ही पहचान लेगा कि ये हमारे ऊपर अटैक करने वाली है लेकिन जब हम क्रूज मिसाइल को भेजते हैं तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता टू डिटेक्ट इट तो आप रडार यहाँ पे देख सकते हो तो एडवांटेज यहाँ पे क्रूज मिसाइल के पास रहता है तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बेलिस्टिक मिज़ाइल एंड द क्रूज मिजाइल आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर ओके लेट मी सी हाँ हम एक एक मिसाइल की बात करेंगे आगे आकाश जैसे आप अग्नि फाइव की बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां पे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि क्रूज मिसाइल क्या है बैलिस्टिक मिसाइल क्या है ठीक है क्रूज मिसाइल को ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही तेज जाएगी ना क्योंकि लोअर अर्थ पे है तो बहुत तेजी से जा रही है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा रडार के लिए वैसे भी उसकी विजन के बहुत लेट उसके विजन में आएगा वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा सो दैट इज द डिफिकल्टी अगेन लुक एट दिस पिक्चर ठीक है अब यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज़ की थी हमने कहा गया बूस्टर यूज़ हुआ था यस yes, है ना कि बैलिस्टिक मिसाइल को क्या पहले हम एक बूस्टर भी देते हैं बूस्टर बेसिकली मिसाइल से बाद में अलग हो जाता है उसको इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है ऊपर भेजने के लिए लेकिन क्रूज में ऑलरेडी आपका टर्बाइन पावर्ड एयरप्लेन है उसमें जेट इंजन लगा है तो उसको वहां पे आपको बूस्टर देने की जरूरत नहीं रहती सो तो आर द डिफरेंसेज आप पीडीएफ से इनको एकदम दिमाग में सेट कर लेना तो पिक्चर दिखा दिया तो आपको आई होप समझ भी आ गया होगा स्टिल कोई कंफ्यूजन होगा आस्क में इन द टेलीग्राम मैं अलग से भी आपको समझा दूंगी ओके नाउ लुक एट दिस पिक्चर सो दिस इज द रेंज जब आपने मुझसे किसी ने यहाँ पे पूछा था ना कि मैम रेंज कैसे बताएंगे कि शॉर्ट है मीडियम है लुक एट दिस पिक्चर नाउ यू विल गेट वॉट इज द रेंज सो किस तरह से मिजाइल जा रही है तो जब आपको पता है कि ये किलोमीटर्स में है नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ना दिस इज इन किलोमीटर जीरो टू थाउजेंड किलोमीटर है तो यू विल कॉल इट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिजाइल तो यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं तो आप उसको एस आर बी एम बोलेंगे जब वो जीरो किलोमीटर जहां से आपने लॉन्च किया हजार किलोमीटर तक आप उसको भेज रहे हैं योर शॉर्ट रेंज जब आप उसको उसके आगे से अराउंड किलोमीटर तक भेज रहे हैं तो आप उसको मीडियम रेंज बोलेंगे यानी टू तो आप उसको क्या बोलेंगे मीडियम रेंज फिर आप उसको फाइव थाउजेंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर तक भेज पा रहे हैं तो वो आपका इंटरमीडिएट रेंज हो जाएगा और फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस अगर आपका मिसाइल का टारगेट जा रहा है इट विल बी योर आईसीबीएम एक कॉन्टिनेंट से तभी इंटर कॉन्टिनेंटल कहा कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में तो आप उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल बोलेंगे तो आई होप ये रेंज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि कितनी रेंज को शॉर्ट मीडियम इंटरमीडिएट इंटर, इंटर कॉन्टिनेंटल कहा जाता है ओके चलिए तो so, ओके okay, आगे बढ़ने से बता दो इस संडे को अगेन यू हैव दिस अल्ट्रा कॉम्बैट करंट अफेयर स्पेशल है ये तो आई थिंक अगर आपके करंट अफेयर की तैयारी अच्छी है तो आपको ज़रूर मॉक्स देने चाहिए आप मेरा कोड लगा के यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं सिक्सटीनथ अक्टूबर को इलेवन एम सो डू पार्टिसिपेट क्योंकि थाउजेंड लकी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स जो है वो मिलेंगे सिर्फ पचास क्वेश्चन है सिक्सटी मिनट्स तो आपके लिए यू कैन विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और एक और चीज़ जो वापस अन अकेडमी ले आया है चैम्पियनशिप ये थर्टीन नवंबर को है इलेवन ए ए एम यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे और जो टॉप पाँच बच्चे होंगे उनको मौका दिया जाएगा किसी आई एस ऑफिसर से मिलने का आप अपने पर्सनल डाउट्स क्योंकि आफ्टरऑल आपका एम है सर्विसेज में जाने का तो आप उनसे मिल के अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं सो दिस इज़ वेरी गुड आई थिंक हम सब लोग एक्साइटेड uh, भी रहते हैं अपने रोल मॉडल से मिलने का सो यू कैन गेट अ चांस यो ओके चलिए अब हम एक और टर्म्स यहाँ पे क्लियर करेंगे जो है क्लासिफिकेशन हमने टाइप्स ऑफ मिसाइल पढ़ लिया रेंज पढ़ लिया अब लॉन्च मोड है कि आफ्टर ऑल हम उसको लॉन्च कहाँ से कर रहे हैं तो ये देखो पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा लेकिन जब टाइम पे लिखना होता है ना पेपर में तब हमको याद नहीं आता कि क्लासिफिकेशन में टाइप्स लिखनी थी या क्या लिखना था तो दिस इज द क्लासिफिकेशन सरफेस टू सरफेस आप ही बताइए क्या मतलब है कि एक सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं, दूसरे सरफेस पे ही हमारा टारगेट है ये सरफेस टू एयर कि सरफेस लैंड से आप लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं टारगेट आपका एयर में है जो ऊपर मिसाइल्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं दुश्मन के उनको आपको उड़ाना है सरफेस से किसी शिप को उड़ाना है आपको तो आप लैंड पे जो आपके लॉन्चिंग स्टेशन है वहां से लॉन्च करेंगे टूवर्ड्स द सी ओके सो तो एयर टू एयर एयर से ही लॉन्च कर रहे हैं और एयर पे ही हिट कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ लाइक टोटली क्लियर टू यू बट स्टिल लेट मी सी इफ देर इज समथिंग मोर टू इट अब जब सरफेस की यहाँ पे बात करें ना सरफेस टू ये सी मिजाइल तो यहाँ पे सरफेस बेसिकली आपका कोस्टल रीजन आ जाता है ओके डोंट फोगेट दिस तो एक्जैक्टली बहुत लैंड से नहीं हम यहाँ पे लॉन्च करते हम किसी कोस्टल रीजन से लॉन्च करते हैं लैंड uh, से किसी शिप या सी में जो, जो हमारा टारगेट है उसको हर, uh, हटाने के लिए ठीक है एयर टू एयर तो ये किसी ना किसी एयर है तो हमें हमारा लॉन्चिंग वेकल क्या होगा किसी एयरक्राफ्ट से हम इसको लॉन्च करेंगे और यहां पे जो स्पीड रहती है वो फोर मार्क तक की रहती है इन मिसाइल्स की जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती हैं आई होप दिस इज क्लियर टू यू फिर ये जो है आपका एयर दिस इज नॉट टी दिस इज आर एयर टू सरफेस मिसाइल ठीक है ये जीपीएस सिग्नल्स पे वर्क करती है एयर से सरफेस पे आ रहा है तो तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है डिफरेंट मिजाइल्स की ओके सो सी टू सरफेस इज अगेन अ कोस्ट मिजाइल किसी कोस्टल एरिया को आपने उड़ाना है एंटी टैंक जो हैवी वेपनरी सिस्टम्स हैं उनको उड़ाना है तो आपके एंटी टैंक मिजाइल्स आते हैं शॉर्ट रेंज हो गया ओके नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज दिस इज वॉट योर प्रोपल्शन ये आपका इंजन में क्या यूज हो रहा है सॉलिड प्रोपल्शन बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है देखिए सॉलिड फ्यूएल जो है सॉलिड प्रोपल्शन में यहां पे आपका बेसिकली ज्यादा यूज किया जाता है एल्यूमिनियम लिख लीजिए इसको एल्यूमिनियम पाउडर ठीक है सॉलिड प्रोपल्शन में इसको आप साथ, साथ लिख भी लीजिएगा जनरली ये फ्यूल जनरली मैं बोल रही हूँ कि एलुमिनियम पाउडर रहता है सॉलिड प्रोपल्शन में इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि एलुमिनियम को हम कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं इसको ईजिली कंडीशन कर सकते हैं मतलब इसको, इसको अच्छे कंडीशन में मेंटेन रख सकते हैं सो so, अगर हमको बहुत ज़्यादा चाहिए थर्स्ट <coughs> तो हम इसको ढेर सारा स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि लिक्विड में हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमें स्टोरिंग की स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अब यहाँ पर लिक्विड के एग्जाम्पल क्या हाइड्रोकार्बन्स है ना हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स है ये क्योंकि इनको प्रिपेयर करने के लिए हमको थोड़ा सा कंसिडरेबल टाइम यहाँ पे चाहिए रहता है बट फायदा ये है कि ये बहुत सॉलिड फ्यूल से बहुत ज़्यादा इम्पल्स जो है वो क्रिएट करता है बहुत ज्यादा एनर्जी फोर्स थर्स्ट जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस करता है अब हाइब्रिड प्रोपल्शन की अगर हम बात करते हैं तो वट इज हाइब्रिड प्रोपल्शन हाइब्रिड में क्या है कि आपका सॉलिड लिक्विड दोनों यूज होता है तो दोनों के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस यहाँ पे पूरे हो जाते हैं जो नुकसान है सॉलिड का वो लिक्विड पूरा कर लेगा जो लिक्विड का नुकसान है वो सॉलिड पूरा कर लेगा सो वी यूज हाइब्रिड प्रोपल्शन ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट दो स्टेजेस में बेसिकली सॉलिड प्रोपल्शन और लिक्विड प्रोपल्शन आपका रहता है अब यस यू कैन आस्क क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहां पे साथ साथ अब देखिए ये जो है ना रैम जेट और स्क्रैम जेट ये बेसिकली क्या है दिस इज अबाउट द स्पीड रिलेटेड टू द ये प्रोपल्शन स्पीड से रिलेटेड है राम जेट इंजिन जो है उसमें कोई भी टर्बाइन जो होती हैं वो नहीं होती इट डज़ नॉट हैव एनी टर्बाइंस जैसे कि टर्बोजेट इंजन में होती हैं अब जब भी किसी प्रोपल्शन में ना किसी रॉकेट में अगर आप बात करें जब हवा जाती है एयर तो वो कॉम्प्रेस होती है है ना वो कॉम्प्रेस होती है उसके बाद उसका कंबस्शन होता है लेकिन अब जो एयर आ रही है वो किस स्पीड में आ रही है वेदर इट इज सब सोनिक अब आपको सब सोनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक का मतलब पता है तो जिस स्पीड में आ रही है उसी तेजी से वो कॉम्प्रेस भी होनी चाहिए तो ये जो कम्प्रेशन है रामजेट में स्पीड का ये अचीव करता है एट अ हायर स्पीड देन योर अदर हाइब्रिड इंजन और योर टर्वोजेट इंजन और उतना ही फोर्स क्रिएट करता है कि आगे जो व्हीकल है आपकी और तेजी से आगे जाए तो ये एकदम जीरो से सुपरसोनिक स्पीड अचीव नहीं करता इसलिए इसके साथ एक बूस्टर जो है वो लगाया जाता है जिसको सीधा सुपरसोनिक स्पीड में डालता है अनिकेत यस आई एम गोइंग आई एम नॉट सेइंग सारे टॉपिक्स देखिए ट्वेंटी आवर्स में हम कितना कवर कर पाते हैं इस महीने फिर नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट टाइम देखेंगे ठीक है सो राम जेट्राम जेट जो है इट इज टोटली ये स्क्राम जेट में आपका सुपरसोनिक बहुत ज्यादा स्पीड पे कंबस्शन होता है ठीक है राम जेट में ऑलमोस्ट आपका ओके तो अब जो डिफरेंस है स्क्रैम जेट और रामजेट का कंबस्शन में वो उनकी स्पीड और वेलोसिटीज़ जो है इंजन की उस पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से वो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अब यहाँ पे स्क्रैम में यूजली अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक में यू हैव लिक्विफाइड गैसेस जिनको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है क्रायोजेनिक फ्यूल उनको कहा जाता है ठीक है लिक्विड गैसेस लिक्विफाइड गैसेस उनको कहा जाता है सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली लिक्विड इज हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर यहाँ पे यूज किया जाता है ओके ये स्क्राम जेट में हाइड्रोजन यूज किया जाता है समरी सिंह हाइड्रोजन इज यूज कि इधर रामजेट जेट इंजन में क्या यूज किया जाता है में हाइड्रोजन इज नॉर्मल विच इज यूज हाँ टर्बाइन नहीं होती इनमें इनमें टर्बाइन नहीं होती हैं इट डज नॉट योर टर्बोजेट इंजनस तो स्क्राम जेट को हम एक और नाम से भी बोलते हैं स्क्राम जेट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर सोनिक कंबस्टन रामजेट ठीक है दिस इज ऑल मैकेनिकल प्रोसेस मतलब अगर हम यहां से पूरा प्रोसेस समझना शुरू करेंगे कि एक रॉकेट है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि जेट इंजन में क्या है आपका क्या होता है जेट इंजन्स में एयर ब्रीदिंग इंजन्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर कम्बस्ट कंप्रेस करते हैं टर्बाइंस होती हैं कम्बस्शन होती है अब रॉकेट का क्या है कि रॉकेट में आपको न्यूक्लियर हेड्स भी लगाने मतलब वॉर हेड्स कि आपको एक रॉकेट मिजाइल बनानी है आपको उसमें वेपन्स भी डालने हैं तो रॉकेट में यूजअली एयर ब्रीदिंग इंजन्स नहीं होते थे तो हम एक ऑक्सीडाइजर साथ लेके जाते थे कि ऑक्सीडाइजर उसको प्रोपल्शन में हेल्प करेगा लेकिन जब हमको उसमें वॉर हेड भी डालने हैं तो हम कितना ही ऑक्सीडाइजर कैरी कर पाएंगे सो वी नीड सम मोर टेक्नोलॉजी कि वो भी एयर ब्रीद करके उसको कन्वर्ट कर सके एट अ ग्रेट विलोसिटी तो उस वजह से आपके रामजेट और स्क्रामजेट जेट जो हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए थे दैट इफ यू आर नॉट एबल टू कैरी दीज ऑक्सीडाइजर ऊपर हम उनको नहीं ले जा पा रहे बिकॉज हमको वेपन्स लेके जाने हैं तो हायर स्पीड में जो एयर है वो इनटेक हो कंप्रेस हो और कंबस्टन हो एट हाइपरसो सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक वेलोसिटीज तो आपके जो हैं ये रामजे आए थे आई होप दिस इज क्लियर टू यू ओके कोड सी आई एम नॉट गुड विथ ट्रिक्स अगर आपको कहीं पे ट्रिक्स मिलते हैं तो आप उनको याद कर सकते हैं बट आई एम नॉट गुड विद टेलिंग ट्रिक्स कि कैसे फ्यूएल को याद करें समबड़ी इज आस्किंग कोड मुझे नहीं पता हाँ दिस इज़ नॉट सिंपल सुभोजित बनर्जी सिंग दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट आपको इतना टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करना है वहाँ पे यू शुड नो कि प्रोपल्शन का क्या आ, क्या क्या टाइप्स है सॉलिड में कौन से फ्यूएल्स हैं लिक्विड में कौन से हैं हाइब्रिड का क्या मतलब है रामजेट में सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे विलोसिटीज़ इंक्रीज होके एयर ब्रीदिंग इंजन इन्होंने दिए जो कि अदरवाइज रॉकेट में नहीं होते थे पहले हम फ्यूल खुद ही कैरी करते थे आप कह लीजिए सिंपल वर्ड्स में हम ऑक्सीजन खुद लेके जाते थे जेट में जेट इंजन में क्या होता है हवा से ऑक्सीजन लेता है उसको बर्न करता है रॉकेट में क्या होता था ऑक्सीजन साथ लेके जाता था रॉकेट लेकिन हम बोल रहे इतनी ऑक्सीजन साथ लेके जाएंगे तो वेपन्स कहाँ रखेंगे तो हमारे रॉकेट्स के पास हाई स्पीड में जब जाना है तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो ज्यादा स्पीड में भी एयर ले रहे हैं तो उसको प्रोपल्शन में हेल्प कर रहे हैं तो सिंपल वे में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं येस आई अग्री दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट इट ओके सो नेक्स्ट इज गाइडेंस सिस्टम तो इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गाइडेंस में बेसिकली हम नेविगेशनस uh, की बात करते हैं कि कैसे जब एक क्रूज मिसाइल है उसका टारगेट सेट है या कोई भी आपकी बैलिस्टिक भी है जहाँ पे हम गाइडेंस सिस्टम्स मिसाइल में लगा रहे हैं क्योंकि पांच कंपोनेंट्स मैंने आपको मिसाइल के बताए थे उनमें से एक कंपोनेंट था गाइडेंस कि मिसाइल को कैसे पता चलेगा कहाँ पे जाना है जब वो जा रही है या तो वो किसी लेज़र को फॉलो करे किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी को फ़ॉलो करे है ना या यू कैन से जी सिस्टम को फॉलो करे या आपने उसमें सब कुछ प्रीसेट करके रखा है तो अलग अलग बेस पे उसके गाइडेंस सिस्टम जो है सॉरी वो रहते हैं सो तो उस बेस पे हम इसको करते हैं क्लासिफाई करते हैं वायर गाइडेंस में कि कुछ वायर्स होंगी बाद में वो अलग हो जाएंगी चाहे बट ऑप्टिक फाइबर से शायद हम उसको गाइड कर रहे हैं उसको जब वो जा रहा है मिसाइल हमारे जो लॉन्च स्टेशंस हैं यह हमारे कमांड स्टेशन हैं, वो उसको ट्रैक कर रहे हैं फिर उसको वो आगे जैसे भी मूव करवा रहे हैं सो दिस इज द गाइडेंस सिस्टम वो अलग अलग हम यहाँ पे यूज करते हैं ना एट दिस, एस्ट्रा मिसाइल, ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल थी जिसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था उड़ीसा की कोस्ट में इसको डी ने ही बनाया था इसका नाम सुना अभी आप लेटेस्ट तो आपको सबके नाम पता है पृथ्वी अग्नि एंड ऑल द मिसाइल्स तो दिस वाज अस्त्रा मिसाइल या अस्त्रा मिसाइल ये फर्स्ट ऐसी मिसाइल थी जिसको हमने बनाया था क्या लाग लग रहा है आई आई थिंक माई कनेक्टिविटी इज गुड आई होप सो सो रिमेंबर दिस एस्ट्रा मिजाइल सो जहाँ पे हमको नहीं दिख सकता विजुअल रेंज के बाहर एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी इससे जो फाइटर पायलट्स थे ना उनको बहुत हेल्प होती थी एनिमी टारगेट्स को उड़ाने के लिए बियॉन्ड देयर विजुअल रेंज तो वैसे भी जो आपका गाइडेड सिस्टम है ना ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू में शुरू हुआ था आई I मीन mean किसी वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ था जर्मनी जो था वो अटैक करता था यूरोपियन कंट्रीज़ में इन दैट वे लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो टारगेट्स उतने प्रिसाइज नहीं होते थे जितने आज हैं बट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड तो इस ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिजाइल्स था हमारे फाइटर पायलट्स को इससे हेल्प मिलती थी एनिमी टारगेट्स को अच्छे से शूट करने के लिए विजुअल रेंज से जो बाहर हो जो हमको नहीं दिख रहे हों तो स्पेसिफिकेशन मिजाइल की क्या रहती थी फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर यानी फोर मार्क रेंज सेवेंटी किलोमीटर और वॉर हेड कितना कैरी कर सकते थे कितना बारूद लेके जा सकते थे फिफ्टीन के इस मिसाइल में ओके सो नेक्स्ट इज योर पृथ्वी मिजाइल आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन शुभोजीत पहला वाला क्वेश्चन जो आप जहाँ पे इंडिया नहीं अच्छा कर रहा वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी लेट्स सी कब तक हम वो कर पाएंगे बट लेट्स फोकस ऑन द मिजाइल्स राइट नाउ सो दिस नेक्स्ट इज पृथ्वी तो पृथ्वी आपकी शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिजाइल है ठीक है जो भी बेसिकली आपकी शॉर्ट रेंज मिजाइल्स होती हैं वी कॉल दम टैक्टिकल कि हमको वहाँ पे टारगेट पता है बैलिस्टिक मिसाइल है इसको भी टीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये मिसाइल को इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस इन कमांड है वो डिप्लॉय करती हैं पृथ्वी हमारी पहली मिसाइल थी जिसको आईजीएमडीपी प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एपीजे अब्दुल अब कलाम जी के कहने पर नाइनटीन में शुरू हुआ था उसमें यह पहली मिजाइल थी जिसको हमने डेवलप किया था इस प्रोग्राम के अंदर फिर आपने पृथ्वी मिसाइल की पूरी सीरीज देखी होंगी अब इसमें लिक्विड या लिक्विड सॉलिड फ्यूल दोनों आपको पाए जाते हैं ठीक है और इसमें आप नॉर्मल जो आपके वेपन्स हैं कन्वेंशनल वेपन समझ गए ना जो न्यूक्लियर नहीं है बाकी जो गोल, गोला बारूद है वो कैरी कर सकते हैं लेकिन पृथ्वी जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर वॉर भी अगर कैरी करना है वो भी कैरी कर सकती है सो पृथ्वी के तीन वेरिएंट हैं अलग अलग वेरिएंट हैं जो कि इंडियन आर्मी यूज करती है इंडियन एयरफोर्स यूज करती है इंडियन नेवी यूज करती है सो दिस इज पृथ्वी सो तीन वेरिएंट्स जो पृथ्वी मिजाइल सीरीज के हैं उनको डेवलप किया गया है पृथ्वी ये आर्मी वर्जन किलोमीटर रेंज है पे कितना कैरी कर सकती है गोला बारूद थाउजेंड के पृथ्वी टू एस एस टू फिफ्टी एयरफोर्स वर्जन ये एयरफोर्स इसको यूज करती है बिकॉज एयरफोर्स विल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज इसका रेंज थ्री फिफ्टी किलोमीटर है आर्मी के वर्जन से ज़्यादा और पे लोड कम है फाइव हंड्रेड के जी पृथ्वी थ्री एस एस थ्री फिफ्टी नेवल वर्जन नेवी यूज़ करती है अगेन इसका एयरफोर्स जितना आ, रेंज है थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स का रेंज है पे लोड इसका आर्मी जितना है थाउजेंड के जी बिकॉज शिप पे कैरी करना इज ईजी है ना क्योंकि इसको आप मोस्टली शिप से लॉन्च करोगे ये जी इसलिए क्योंकि आप इसको लैंड से लॉन्च करोगे तो प्रॉबेबली इट कैन कैरी बट यहाँ पे आपको किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करना है तो आपको पेलोड का ध्यान रखना है तो इसलिए आपको फाइव हंड्रेड के जी पेलोड यहाँ पे मिला ठीक है ये तीन वेरियंट्स है पृथ्वी के सो so, तो so, पृथ्वी को यहाँ पे आप देखिए एट ग्लांस ओरिजिनेट कहाँ पे हुई इंडिया में क्लास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एस आर बी एम ऑल्टरनेटिव ठीक है डायमीटर लॉन्चिंग लॉन्च वेट इसका टोटल वेट अगर आप देखेंगे फोर्टी सिक्स हंड्रेड के जी पेलोड मैक्सिमम थाउजेंड के जी है रेंज वन फिफ्टी किलोमीटर है कुछ रेंज में आप देखेंगे थ्री फिफ्टी किलोमीटर भी है डिफरेंट जो इसके वेरियंट्स हैं ठीक है सो दिस इज द पृथ्वी स्ट्राइक रेंज थ्री फिफ्टी ये न्यूज पेपर्स में आपने इस तरीके से देखा होगा वॉर हेड केपेसिटी फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड के जी नाइन मीटर हाइट इंट्रोडक्शन ईयर इंडक्शन ईयर टू थाउजेंड थ्री तो खुद बनाइए इसलिए इंडिजीनियसली डेवलप बोलेंगे न्यूक्लियर कोई भी मिजाइल है सो यू शुड नो पृथ्वी के केस में वेदर इट इज न्यूक्लियर कैपेबल और नॉट इट इज सरफेस टू सरफेस ठीक है तो ये चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी नेक्स्ट आर यार अग्नि मिसाइल्स जब आप सारे लोग लिख ही रहे थे अग्नि सो अग्नि के अलग अलग वेरियंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो एम आर बी एम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिजाइल मीडियम रेंज देन यू हैव इंटर कॉन्टिनेंटल वैलिस्टिक मिजाइल भी आपको यहाँ पे मिलेगी ठीक है इंटरमीडिएट रेंज के साथ तो so यहाँ पे पे लोड कितना है आप देख सकते हैं अग्नि इज द मोस्ट एडवांस्ड अभी तक की हमारी बहुत अच्छी मिजाइल उसको माना जाता है पे लोड देखिए थाउजेंड सेकेंड वर्जन में सेवन फिफ्टी टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एट हंड्रेड टू थाउजेंड फिर फिफ्टीन हंड्रेड ये आपकी अग्नि मिजाइल दिस इज अग्नि फिफ्थ मिजाइल जो थी आपकी इसको अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया था तो टेस्ट कंडक्ट यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस को लेके गए हैं सो दिस इज अग्नि फाइव इज योर यनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल तो इसको इस रेंज में हमने क्लासीफाई uh, किया है फिफ्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर एंड मोर ठीक है एट थाउजेंड किलोमीटर तक ये जा सकती है यूएस रशिया चाइना फ्रांस और इजराइल ऑलरेडी उनके पास ये वाली मिसाइल है तो so, स्टेजेस आप देख सकते हैं प्रोपल्शन के इसके। ठीक है नेक्स्ट इज योर आकाश एम के वन एस मिजाइल सरफेस टू एयर है ठीक है दिस इज सरफेस से जो एयर में उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो एडवांस्ड एरियल टारगेट्स हैं कोई हम पे हवा से अटैक कर रहा है तो हम उसको लैंड से ही इस मिसाइल से उड़ा सकते हैं तो जो आकाश मिसाइल थी ऑलरेडी हमारी आ, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है इसमें कमांड गाइडेंस है यानी गाइडेड मिसाइल है ये प्रॉपरली गाइडेड नेविगेटेड मिसाइल है मीडियम रेंज है रेंज उसका मीडियम है लेकिन मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसकी है So, इसको भी बनाया गया था पृथ्वी की तरह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ठीक है तो ये आपको मालूम होना चाहिए अगेन दिस इज सुपरसोनिक मिसाइल तो इसकी स्पीड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए सुपरसोनिक सोनिक में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सो हैज अ रेंज ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर एंड अपू ऑल्टीट्यूड ऑफ एटीन हंड्रेड मीटर तो हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपलेंट इसमें यूज किया जाता है बूस्टर के लिए क्योंकि बूस्टर आप किसी रॉकेट को बूस्टर कब दोगे क्योंकि रॉकेट जो है जिसमें जैसे आपका रैमजेट या राम वाला इंजन जहाँ पे यूज किया जाता है सो व्हाट हैपेंस कि वो जीरो से एकदम सुपरसोनिक स्पीड नहीं ले लेंगे ना आप उसके लिए क्या लगाएंगे नीचे एक बूस्टर लगाएंगे जो उसको पहले अपवर्ड उड़ाएगा धक्का देगा प्रोपेल करेगा फिर उससे अलग हो जाएगा तो इसमें बूस्टर के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया जाता है और रामजेट रॉकेट प्रोपेलशन अब देखिए ये वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं सो नाउ यू शुड नो आई होप अब आपको यहाँ पे रामजेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि रामजेट एकदम से सुपरसोनिक स्पीड एकदम से तेज स्पीड नहीं पकड़ लेगा तो पहले आपको एक बूस्टर लगाना पड़ेगा और बूस्टर का फ्यूल यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट है इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं आकाश एम के वन आकाश एम के टू और एक्यूरेसी इम्प्रूवड एक्यूरेसी है इसके और हायर रेंजेस इससे भी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है इन पर और ज़्यादा काम हो रहा है सो दिस इज ब्रह्मोज मिजाइल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है इसके बीच में इंडिया और रशिया के बीच में इंडिया में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है आपकी रशिया में एन ऑफ रशिया इन्वॉल्व है तो इनका नाम जो रखा है ना ये ब्रह्मपुत्र रिवर रिवर ब्रह्म सॉरी भ्र ब्रह्मपुत्र रिवर से लिया है और उनका जो रिवर है मॉस्कवा MOS, वहां से लिया है सो इट इज नोन एज ब्राह्मोज मिजाइल ये भी टू स्टेज है सॉलिड प्रोपलेंट इंजन फर्स्ट स्टेज में यूज किया जाएगा और दूसरे स्टेज में आपका लिक्विड रामजेट जेट सेकेंड में यूज किया जाएगा हेयर टू सरफेस ठीक है फ्लाइट रेंज है इसका थ्री हंड्रेड किलोमीटर तो इंडिया का जो एंट्री है एम टी सी आर मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन ज एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ ब्राह्मोज मिजाइल टू रीच फोर फिफ्टी किलोमीटर टू सिक्स हंड्रेड किलोमीटर एम टी सी आर की वजह से जब हमारी एंट्री एम टी सी आर में हुई उसकी वजह से हमारी रेंज ब्राह्मोस की और ज्यादा इंक्रीज हो गई जो पहले तीन सौ किलोमीटर थी अब वो फोर फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड किलोमीटर है ठीक है क्योंकि एम टी सी आर ने बाकी लोगों के लिए कैब करके रखा है तीन सौ किलोमीटर का रेंज यस सुबोजित योर राइट ठीक है सो so, ब्राह्मोस इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म दैट मीन्स इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो एयर टू लैंड तो इसको कहा जाता है बट यू कैन लॉन्च इट फ्रॉम लैंड अगर आपके लॉन्चिंग स्टेशन लैंड पे है एयर पे है या सी पे है तो आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो सो so, इसको ज़्यादा गाइडेंस देखिए बाकी जैसे हमने पीछे पड़ा था इट वॉज अ गाइडेड मिसाइल बट ब्राह्मोज इज़ नॉट मच गाइडेड मिसाइल इसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बनाया गया है कि इसको फर्दर गाइडेंस कहाँ जाना है इसको बताने की जरूरत नहीं है तो अभी तक की हमारी फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और इसको स्पीड अगर आप देखेंगे मार्क टू पॉइंट एट मार्क पे यानी स्पीड ऑफ साउंड से ऑलमोस्ट तीन गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है दिस इज ब्राह्मो मिजाइल फ्यू इस तरीके से ब्राह्मो दिखती है ओके okay. सो so, ये ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में बता रखा है कि भारत रूस रूस ने मिल इसको बनाया है 1998 में इनके बीच में ये डिसाइड हुआ था दैट वी विल डू दिस देन 2007 में भारतीय सेना ने पहली बार इस मिसाइल उनको मिली ठीक है पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज तक यहाँ तक हम पहुँचें और इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं अगर आप देखेंगे फोर्टी फीट टू फीट तक लंबे वेरिएंट्स ब्राह्मो के हैं तो इसकी लंबाई कुड बी फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स फीट टू थर्टी फीट और अभी भी इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि हम इसकी रेंज वॉर हेड कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें नेक्स्ट इज योर प्रले मिज़ाइल सो आई होप ये सारे मिज़ाइल्स के बारे में लिख लेना एटलीस्ट मिज़ाइल्स के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सी कहाँ बनी है कौन सी हमारी इंडिजीनियस मिसाइल्स हैं कौन से वो जो इंडिया का मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम है उसके अंदर बनी है कौन सी क्रूज़ मिसाइल है कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है किसका कितना रेंज है कितना पेलोड वो कैरी कर सकते हैं कौन सा इंजन या फ्यूल यूज़ हुआ है ये तीन चार पॉइंट एक तो ये रटने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बूस्टर लगाया जाता है कैसे अलग होता है दैट वॉन्ट बी आस्ट सो इट इज़ मोर अबाउट फैक्ट्स तो प्रलय इंडिया का पहला कन्वेंशन कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है ओके तो ये कोई भी अटैक हमारे नॉर्दर्न या वेस्टर्न बॉर्डर्स से होता है उसके लिए हमने इसको ये सोच के बनाया लो ट्रैजेक्ट्री है इसका लोअर एटमोसफेयर में यानी ये जाता है लेकिन लार्जली बैलिस्टिक है क्रूज नहीं है ओके तो नया प्रलय मिसाइल काफ़ी नया है जो हमने डेवलप किया है सरफेस टू सरफेस है और इसके अभी ट्रायल्स जो चल रहे थे पीछे रुक भी गए थे बिकॉज ऑफ द साइक्लोन प्रले मिजाइल सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो पीडीएफ है हमारा एक सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर ये इस तरह के देखिए एक तो ये सरफेस टू सरफेस है वॉट आर यू सिंग ओके वी विल टेक सच क्लास ओके वेर वर वी हाँ सो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ़ पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एग्जो एटमोस्फिर इंटरसेप्टर विच कैन डिस्ट्रॉय एनिमी वेपन्स एट हाई ऑल्टीट्यूड्स तो यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ये एनिमी के चीज़ों को उड़ा सकता है वेपन्स को उड़ा सकता है सो so, प्रहार मिसाइल की बात की गई है प्रहार मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको पहली बार 2011 में टेस्ट किया गया था प्रहार सरफेस टू तो सरफेस मिसाइल है जिसका रेंज 150 किलोमीटर है अप टू 500 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है पे लोड ऑफ वन टन कैपेसिटी है इसकी तो मेन जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी मिसाइल्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अगेन एक एक पेज पे एक एक मिसाइल नंबर वन का नाम लिखिए किसने बनाया है इंडिजीनियस है या जैसे ब्रह्मोज है तो रूस के साथ मिलके बनाया लिखिए क्रूज है या क्रूज है या बेलिस्टिक है रेंज क्या है इंजन क्या है ठीक है और फ्यूल क्या है और कोई एग्जांपल एक चलो मिसाइल का तो एग्जांपल क्या देना है वो बैलिस्टिक या क्रूज के टाइम आप देते सो so ये चार पांच पॉइंट्स तो आपके आधे पेज पे एक मिसाइल कवर हो जाएगा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिर उसको दो तीन पेज बन जाएंगे आपके या चार पेज उनको बार बार रिवाइज़ करते रहना निर्भय लॉन्ग रेंज देखिए हर मिसाइल में मैंने आपको बताया कि क्या है पीछे भी अगर आप जाएंगे, का बताया तो है. तो इस तरीके से के बारे में लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना रेंज फोर फिफ्टी किलोमीटर टू सिक्स हंड्रेड किलोमीटर जब से ज्वाइन किया टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट फर्स्ट स्टेज लिक्विड रामजेट इंजन सेकेंड बस इतना लिखना है और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है प्रलय लिख रहे हैं सपोज आप निर्भय लिख रहे हैं निर्भय के लिए लिखिए लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सब सोनिक सिर्फ की लिखिए क्योंकि अब आपको इन की के मतलब पता है वॉर हेड कितने कैरी कर सकता है पेलोड थ्री हंड्रेड के जीज स्पीड पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन मैक अब आपको ये भी समझ में आ गया वी से पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन मैक वॉट वॉट डज इट मीन सो दैट मीन्स इट इज सब सोनिक

जो क्रूज मिसाइल अमेरिकन टोमाहॉक है उसका ये इंडियन वर्जन है बस ये तीन चार पॉइंट्स आप इसके साथ लिख लीजिए नाग मिसाइल है तो इसके साथ ये लिखिए थर्ड जनरेशन ये भी मत लिखिए चलिए ये लिख लीजिए फायर एंड फॉरगेट तो जिस भी मिसाइल के साथ हम फायर एंड फॉरगेट लिखते हैं ये वर्ड हमने कहाँ यूज़ किया था भ्रामोस के साथ भी यूज़ किया था इसका मतलब इसको ज़्यादा गाइडेंस की गाइडेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है सो so, नाग इसमें क्या है स्पेशल दिस पॉइंट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ठीक है फायर एंड फॉरगेट बट बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है ये जो हमारे हैवी वेपनरी सिस्टम्स है एंटी टैंक जैसे उनको उड़ाने के काम आती है और ऑब्वियसली डी ने डेवलप किया तो इट इज इंडिजीनियस ऑल वेदर कंडीशन में डे नाइट कैपेबिलिटीज हैं इसकी फिर रेंज इन इज इम्पॉर्टेंट ये लिख लीजिए फाइव हंड्रेड किलोमीटर होगा मैक्सिमम रेंज ऑफ फोर किलोमीटर अच्छा फाइव हंड्रेड सॉरी मीटर्स टू फोर किलोमीटर क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं दिस मिज़ाइल में इन दिस मिज़ाइल हम हैवी वेपनरी को उड़ा रहे हैं तो रेंज विल बी अराउंड फाइव हंड्रेड मीटर्स टू फोर किलोमीटर ठीक है ये बड़ी मिजाइल नहीं है ऐसे लॉन्ग रेंज वाली इज अ टैक्टिकल मिजाइल आप कह सकते हैं लैंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं फिर इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं धनुष सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी थर्ड मिसाइल इंडियन नेवी के लिए डेवलप की गई है इसको कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड्स दोनों लेके जा सकती है जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना बस ये पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लिए सरफेस टू सरफेस ठीक है फिर ये लिख लीजिए न्यूक्लियर वॉर हेड्स की ये कैपेबल है कन्वेंशनल क्योंकि आपके आ, ये दो वर्ड्स नोट कर लीजिए कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड कन्वेंशनल हम बोलते हैं हमारे वो वेपन सिस्टम्स वो गोला बारूद जो न्यूक्लियर नहीं है कन्वेंशनल है तो न्यूक्लियर यूज हो रहे हैं सो यू नो नो वॉट इज न्यूक्लियर पेइंग कैपेसिटी इसको लिख लीजिए फाइव हंड्रेड केजेस टू थाउजेंड केजेस रेंज थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स ठीक है पृथ्वी टू का ये नेवल वेरियंट है धानुष <coughs> तभी यहाँ पे लिखा है शिप टू शिप पृथ्वी थ्री मिजाइल त्रिशूल शॉर्ट रेंज है सरफेस टू एयर ऐसे लिख लीजिए इंडिया ने डेवलप किया इसको भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप प्र, प्रोग्राम में रेंज 12 किलोमीटर कितना पेलोड ले सकती है 5.5 पॉइंट वॉरहेड अब इसको लो लेवल जो सी पे है वहाँ पे टारगेट्स को शॉर्ट रेंज में और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन लैंड दिस इज त्रिशूल फॉर ठीक है तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा सो so, प्रकाश व्हाट यू मीन कब तक क्लास होगा इस महीने में कब तक होगा या आज का टाइम पूछ रहे हो कब तक होगा बस खत्म होने वाला है आज का तो ठीक है अब देखिए ये स्क्रीन लिया था मैंने एक आपको याद करने के लिए चाहे प्रिंट लगा के जहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं इसको सामने लगा लीजिए ताकि दिख आते जाते आपको दिखता रहे कि पृथ्वी का क्या रेंज है कितना कैरी कर सकती है कौन से आपके आई आर बी एम इंटरमीडिएट रेंज हैं इंटर कौन से हैं क्रूज कौन से हैं तो दिखता रहेगा तो जो सब हमने पढ़ा है उसका समरी है तो आपको याद रहेगा हाँ उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ त्रिशूल बट पेपर में आपको सिर्फ अनसक्सेसफुल नहीं पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे एनालिसिस नहीं पूछा जाता इट इज़ मोर अबाउट फैक्चुअल है ना दिस इज पिनाका मिजाइल सिस्टम अपडेटेड वर्जन ऑफ पिनाका मिजाइल सिस्टम नेम्ड पिनाका मार्क टू रॉकेट इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है इंडिजीनियस है ये भी मल्टी बैरल रॉकेट अब देखिए कहाँ पे रॉकेट का नोजल है बैरल है इतने डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है इट वॉन्ट बी आस्ट जस्ट द नेम्स और जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनके बारे में वो आपको मालूम होनी चाहिए सो इट इज वेपन सिस्टम हैज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस ठीक है तो इनके नाम आप याद रख सकते हो पिनाका रॉकेट लॉन्चर की खासियत ठीक है फिर ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टू टायर डिफेंस शील्ड है ये एनिमी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है सी अगर हमारे देश पे कोई मिसाइल आने वाली है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं हम अपने आप को मिसाइल से सेव से करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है कि उन मिज़ाइल से हमको बचाता है तो इसमें दो इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगे रहते हैं एक पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जिसको हम पी कहते हैं और एक एडवांस्ड एरिया डिफेंस मिजाइल ठीक है तो वी वॉन्ट टू बी सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ दोज मिजाइल्स तो आपका प्रद्युमन बैलिस्टिक मिजाइल इंटरसेप्टर ये एक्सो एटमोस्फेरिक यानी हाई ऑल्टीट्यूड 50-80 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे डिस्ट्रॉय कर सकता है आने वाली मिजाइल को तो so दो स्टेज सुपरसोनिक मिजाइल फ्यूल है सॉलिड मोटर है लिक्विड फ्यूल भी है सेकेंड स्टेज पे ये आपका बैलिस्टिक मिजाइल डिफेंस तो ये तो काफी न्यूज में भी था अभी अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा डिटेल में बहुत ज्यादा कि हमारा डिफेंस किस तरह से काम करेगा हमारी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करेंगी तो so, इंडिया सबसे अच्छा काम मिसाइल्स में यूएस कर रहा है फिर रशिया कर रहा है फिर चाइना कर रहा है ऑल दो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करें अभी तक तो हम सब सोनिक सुपर में वी आर डूइंग गुड अब डी आर टेक्नोलॉजी यानी ग्रेटर देन फाइव मैक उसको भी डिमोस डिमॉन्सट्रेशन हमारी चल रही है एयर ब्रीदिंग स्क्राम टेक्नोलॉजी की रामजेट तो हम यूज कर ही रहे हैं है ना रामजेट तो आपको मैंने बताया वी आर ऑलरेडी यूजिंग बट अब स्क्राम जेट हमको यूज करना है दैट इज़ योर हाइपरसोनिक सो so, इंडिया ने आ, अपना क्रायोजेनिक इंजनस डेवलप किए हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं तो हाइपर से टेक्नोलॉजी ये भी हमारे साथ आ जाएगी हाइपरसोनिक सो वी विल बी नेक्स्ट लेवल सो यस दिस इज अबाउट मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में जाने की यहाँ पे डीप जाने की जरूरत नहीं है कहाँ पे बैरल्स है कैसे कंबस्टन हो रहा है बट हाँ आपको बेसिक बेसिक सबके बारे में ऊपर से सुपोफिशली जो है वो पता होना चाहिए मिसाइल सिस्टम्स की कौन से मिसाइल सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन क्या है टाइप्स क्या हैं फ्यूल्स क्या है सबसोनिक क्या, क्या होता है सुपरसोनिक क्या होता है रामजेट क्या है स्क्राम क्या है ठीक है फिर आ गया आपकी मिजाइल्स सो दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू सो दिस इज़ इट फॉर टुडे दिस इज़ डाउट ब्राउज फीचर ऑफ़ एन अकेडमी ये बहुत अच्छा है इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए एंड अगेन दिस इज माई टेलीग्राम विरोनिका अंडरस्कोर यू पी एस सी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द क्वेरीज अभी भी अगर आप कन्फ्यूज हैं मे बी राम जट रामजट क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया कोई टेक्निकल इंसान आके मेरा लेक्चर देखेगा उसको लगेगा वॉट आर यू टीचिंग बट ऑबियसली वी डोंट हैव टू गो इन टू दैट डिटेल कि हम बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें उतनी ज़रूरत आपको नहीं है आपको बेसिक्स जानने हैं सो आई वॉन्टेड टू लिमिट यू अराउंड दोज बेसिक्स ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्लास हाँ नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर अगर आप देखेंगे क्लास हैज़ बीन क्रिएटेड डे आफ्टर टुमारो हम न्यूक्लियर एनर्जी पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूपीएससी का यही डिमांड है आपसे आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे ठीक है तो आपको पता होनी चाहिए चीजें सबके बारे में पता होना चाहिए मे बी नॉट इन दैट डिटेल जितना एक साइंटिस्ट को ज़रूरत है बट एज अ अवेयर सिटीजन एज एन अवेयर ऑफिसर फ्यूचर ऑफिसर आपको ये सब चीजें जितनी हमने पढ़ी हैं इतनी मालूम होनी चाहिए हाँ ये सब हम डिस्कस करेंगे अब न्यूक्लियर वाली क्लास में uh, कोई भी कन्फ्यूजन हो गेट कनेक्टेड विथ ऑन टेलीग्राम ठीक है थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर गुड नाइट